हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है पूजा की रसोई में। मैं आज आप सभी के लिए कद्दू की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाएं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो भी उंगलियां चाट कर खाइएगा। यहाँ पे हम 500 ग्राम कद्दू लिए हैं, उसको हमने छीलकर अच्छे से वॉश करके अच्छे से काट लिए हैं। मेरा टुकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज गुल्फा टाइप का आप काटें। और इसको हम अब इस ये सब को हम प्रेशर कुकर एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम इन सब को डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इसे डालेंगे, इसलिए कि ये अच्छे से पक जाए इसमें डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 तेज पत्ता ले रहे हैं और इसमें आधा ग्लास हम पानी यूज करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं यूज करना है क्योंकि इसमें खुद ही रिलीज होता है पानी। और यहाँ पे हमने 50 ग्राम करीब चने के दाल लिए हैं, उसको हमने 2-3 घंटे तक फूलने दिए थे, उसको हम अच्छी तरह से वॉश करके अब हम इसको इसमें प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसको हम सब को प्रेशर कुकर का आप ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको एक सीटी देने के बाद इसको 2-3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसको रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिए हैं। अब फोड़न के लिए हम यहाँ पे 2 तेज पत्ता, थोड़े से जीरा और थोड़े से हींग और एक टुकड़ा के करीब यहाँ पे हमने लाल मिर्च को यूज किया है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई फोड़न डालेंगे, इससे पहले हम तेज पत्ता डालेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे, उसके बाद हम 2-3 जौ हमने लहसुन को छीलकर मही मही टुकड़ों में काट लिया है, उसके बाद 3-4 यहाँ पे हरी मिर्च को भी हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। और यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज का प्याज लिए थे, उसको हमने महीन महीन चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने 2-3 टमाटर लिए थे, उसको भी हमने काट कर अलग रख लिए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन को डालकर इसे 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। उसके उसी टाइम हम उसमें हींग डालेंगे। यहाँ पे मेरा 2 मिनट हो गया है, उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने देते हैं, तब तक हम अपने मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और हम याद रखना चाहिए हमने प्रेशर कुकर में भी डाला था, अब उसके मुताबिक दें। यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे गोलकी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर, हम इसमें ज़्यादा मसाला यूज नहीं करना है। और इसमें हम पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करके साइड रख देंगे। और यहाँ पे हमने मेरा प्याज ब्राउन हो गया है, अब देख सकते हैं उसमें हम जो मसाले को हमने मिक्स करके रखा था उसको हम इसमें डालकर 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक हमने प्रेशर कुकर में भी डाला था, ये बात भी याद रखिएगा यहाँ पे। और इसको हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, कद्दू और चने की दाल मेरा पक चुका है और यहाँ पे मेरा मसाला भी हो गया है 5 मिनट के करीब। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो सीझा हुआ कद्दू और चने की दाल थी उसको हम इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से पकाएँगे 2-3 मिनट तक, ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। ऐसे भी चना का दाल ये सब सीझा हुआ है, मसाला भी मेरा भूंजा हुआ है, मेरे यहाँ पे हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से गरम मसाले डालकर हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कस्तूरी मेथी को हमने थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। मेरा सब्जी रेडी। अगर जो आपको इस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।